हाल के कुछ सालों में हमारे खगोल वैज्ञानिकों को उन्नत किस्म के टेलीस्कोप उपलब्ध होने लगे हैं। इससे हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की बेहतर जानकारी मिल रही है। वे न केवल ज्यादा दूरी के पिंडों को खोज पा रहे हैं, बल्कि वे खोजे गए पिंडों का भी विस्तार से अवलोकन कर पा रहे हैं। इसी वजह से वे ब्रह्मांड के कई हिस्सों का नक्शा बनाने में भी सफल हुए हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के अंतरिक्ष की सीमा का त्रिआयामी नक्शा बनाने में सफलता पाई है। वैज्ञानिकों ने नासा के IBX सैटेलाइट के आंकड़ों का उपयोग कर हेलियोस्फीयर का पहली बार नक्शा तैयार किया है। इससे शोधकर्ताओं को सौर पवनों और अंतरतार के पवनों के बीच की अंतरक्रिया की जानकारी मिल सकेगी। ये अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। लॉस एलामोस नेशनल लैबोरेटरी के वैज्ञानिक और शोध पत्र के प्रमुख लेखक डैन रेजिनफील्ड ने बताया कि लंबे समय से भौतिकी के मॉडल्स इस सीमा पर सिद्धांततः काम कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार है कि शोधकर्ता इसे नापने में सफल हो सके और इसका त्रिआयामी मैप बना सके। हेलियोस्फीयर वो बुलबुला है जो सौर पवन बनाती है, जो सूर्य से निकलने वाली प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कणों की धारा है। सौर पवनों का विस्तार अंतरतार के अंतरिक्ष तक है और ये पृथ्वी को अंतरतार के विकिरणों से बचाने का काम भी करती है। रेजिनफील्ड और उनकी टीम के दूसरे वैज्ञानिकों ने नासा के अर्थ ऑर्बिटिंग इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर IBX सैटेलाइट के आंकड़ों का उपयोग किया, जो हेलियोशिप से आने वाले कणों की पहचान करने का काम करता है। शोधकर्ताओं ने सौर मंडल के बाहर जाने वाले सौर पवनों के अध्ययन से इस सीमा की जानकारी निकाली। हेलियोशिप सौर मंडल और अंतरतार के अंतरिक्ष के बीच की सीमा को कहते हैं। टीम इसी जॉन की कगार, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, का नक्शा बनाने में कामयाब हो सकी। ये वही क्षेत्र है जहां सौर पवन अंतरतार के अंतरिक्ष से सूर्य की ओर आते समय अंतरतार के पवनों से टकराती है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने उसी तकनीक का उपयोग किया जिसमें चमगादड़ सोनार का उपयोग करती हैं। रेजिनफील्ड ने बताया कि जिस तरह से चमगादड़ सोनार की तरंगें हर दिशा में भेजती हैं और वापस आने वाली तरंगों से आसपास के इलाके के मानसिक नक्शा बनाती है, उसी तरह शोधकर्ताओं ने हेलियोस्फीयर की नक्शा बनाने के लिए सौर पवनों का उपयोग किया जो हर दिशा में जाती हैं। यह सीमा हेलियोस्फीयर के ठीक बाहर अंतरतार के अंतरिक्ष में मौजूद है। खास परमाणु मापन से पहचान, इसके लिए शोधकर्ताओं ने IBX सैटेलाइट की ऊर्जावान तटस्थ परमाणु NA के मापन का उपयोग किया जो सौर पवनों के कण और अंतरतार के पवनों की टकराव की वजह से बने थे। इन संकेतों की तीव्रता सौर पवनों के हेलियोशिप से टकराव की तीव्रता पर निर्भर करती है। जब तरंगे शिप से टकराती है तो इन की संख्या बढ़ जाती है, जिसे IBX पहचान लेता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि सौर पवन के संकेत एक खास पैटर्न बनाती हैं। IBX उसी पैटर्न को वापसी के बिना संकेतों में देख पाता है। इन्हीं संकेतों के आधार पर एक निश्चित दिशा में हेलियोस्फीयर की दूरी पता लगाई जाती है। इसी के आधार पर त्रिआयामी नक्शा बनाया गया।